हेलो दोस्तों, वैसे तो मैंने ऑलमोस्ट सभी तरह के वाटर प्रूफिंग सॉल्यूशन पर वीडियोस बनाया है और आपके साथ प्रैक्टिकल प्रोसेस शेयर किया है, पर फिर भी कई बार आप लोगों की कंप्लेंट होती है कि ये काम नहीं करता है, हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता है। तो ये सभी का आज मैं 100% सॉल्यूशन लेके आया हूँ। अभी जो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा वो यूज करने पर आपको 100% रिजल्ट के साथ सालों साल चलेगा। मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल प्रोडक्ट एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर की। ये प्रोडक्ट आपको सभी तरह के वाटर प्रूफिंग के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि कंक्रीट छत के क्रैक्स, छत के लीकेज, टाइल्स जॉइंट्स, वॉल की सीलन, स्टील और FRP शीट जॉइंट्स, मेटल जॉइंट्स, यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन और इंडस्ट्रियल वर्क में भी इसे बहुत यूज किया जाता है, जैसे कि रूफ मेटल शीट, बोल्ट होल्स, टर्बोफैन जॉइंट्स, स्टील टैंक्स और भी बहुत सारी जगहों पर। दोस्तों, इसकी परफॉर्मेंस की बात करें तो हमारे पास एक सैंपल है, इससे हम जानते हैं। इसकी स्ट्रेच एबिलिटी अपनी साइज से 950% तक होती है और फिर रिकवरी रेट 95% तक हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्शन होने पर फटता नहीं है, जिसके कारण ये काफी लंबा चल जाता है। दोस्तों, ये हाई इम्पैक्ट और पंचर रेजिस्टेंट भी है। जैसे कि देखो दोस्तों, मैं इस सैंपल को एक खिले पर लगाकर आपको दिखा रहा हूँ, फिर भी ये नहीं फट रहा है। इससे ये साबित होता है कि ये कितना मजबूत और ड्यूरेबल है। तो चलो अभी हम जानते हैं कि इसे हम घरेलू क्षेत्रों में कैसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे इस्तेमाल करना बिल्कुल ही आसान है, बस कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। जैसे कि पहला स्टेप है सरफेस प्रिपरेशन, सेकेंड स्टेप है पेंटिंग प्रिपरेशन और तीसरा स्टेप है अप्लाई करने का सही तरीका। तो चलो सबसे पहला स्टेप सरफेस की प्रिपरेशन करते हैं। सबसे पहले हमें यह सुनिश्चित कर लेना है कि जिस भी सरफेस पर हम इसे लगाने वाले हैं वो पूरी तरह से फिक्स हो, उसमें कोई भी लूज या हिलने वाले आइटम ना हो। फिर सरफेस को पूरी तरह से क्लीन कर लेना है, इस पर से सभी तरह के लूज पार्टिकल्स जैसे कि धूल, मिट्टी, ऑयल या फिर काई, फंगस जो भी हो उसे हटा लेना है। यहाँ पर सरफेस से मेरा मतलब है कि कोई भी तरह की दीवार, छत, मैटर्स जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया। अब धूल मिट्टी वगैरह हटाने के लिए हम यहाँ पर वायर ब्रश, पुट्टी ब्लेड या फिर पेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं। हटाने के बाद सरफेस को अच्छे से क्लीन करना है, यहाँ पर आप कपड़ा या फिर पेंट ब्रश का यूज कर सकते हैं। तो चलो अभी हम स्टेप टू वाटर प्रूफिंग की प्रिपरेशन करते हैं। पेंटिंग प्रिपरेशन के लिए हमें कुछ सामान साथ में रखना है, जैसे कि पेंट ब्रश या रोलर, एलिफेंट सील लिक्विड रबर, रीइंफोर्समेंट क्लॉथ स्ट्रिप जो केमिकल के साथ में आएगा। अब चलते हैं हमारे मेन स्टेप पर, यानी कि हाउ टू अप्लाई एलिफेंट सील लिक्विड रबर। सबसे पहले हमें डब्बे को अच्छे से हिला लेना है ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, फिर इसे पेंट ब्रश या रोलर की मदद से अप्लाई करना स्टार्ट करना है। दोस्तों, हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि इसमें हमें पानी, थिनर या फिर ऑयल ऐसा कुछ भी ऐड नहीं करना है जिसके कारण केमिकल का परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो चलो फर्स्ट कोट लगाते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट कोट लगा लिया है। अब हमें जॉइंट्स या क्रैक्स पर रीइंफोर्समेंट क्लॉथ लगाना है। जिससे जॉइंट्स और क्रैक सेंटर में रहे वैसे पूरी तरह से कवर हो जाए, वैसे अच्छे से बिना हिलाए लगाना है। अब रीइंफोर्समेंट क्लॉथ के ऊपर सेकंड कोट लगाना है, जैसे कि अभी मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ।
लगाने के बाद दोस्तों इसे हमें 24 से 48 घंटे सूखने देना है। दोस्तों सूखने के बाद इसके ऊपर हमें थर्ड कोट लगाना है और लगाने के बाद इसे भी 24 से 48 घंटे सूखने देना है। दोस्तों 48 घंटे के बाद आप जब चेक करो तो सरफेस स्टिकी लग रहा है, तो उसके ऊपर आप नॉर्मल टेलकम पाउडर डाल सकते हैं जिसके वजह से स्टिकी पना हट जाएगा और फिर ये सरफेस यूज करने के लिए तैयार है। अगर आप इसके ऊपर कुछ करना चाहते हैं जैसे कि पेंट वगैरह करना चाहते हैं तो ये मटेरियल लगाने के 10 दिन के बाद आप इसके ऊपर कोई भी वाटर बेस्ड पेंट कर सकते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, सिर्फ वाटर बेस्ड पेंट कर सकते हैं, ऑयल पेंट या फिर थिनर बेस्ड कोई भी पेंट हमें यूज़ नहीं करना है। दोस्तों ये तो हमने देखा कि क्रैक्स और जॉइंट्स पर इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये केमिकल की पैकिंग कैसे आती है ताकि हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे खरीद सकें। तो दोस्तों एलिफेंट सील्ड लिक्विड रबर की पैकिंग की बात करें तो 1 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 20 लीटर और यहाँ तक आप बड़ा काम करना चाहते हैं तो 1000 लीटर के टैंक में भी ये मिलता है। दोस्तों बात करते हैं कि आपने इसे यूज़ कर लिया है पर थोड़ा सा बच गया है तो इसका क्या करें, इसकी सेल्फ लाइफ कितनी है। तो दोस्तों आप इसे अच्छे से एयरटाइट डब्बे में बंद करने के बाद अगले 4 से 5 महीने तक कभी भी इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, आपको सेम ही रिजल्ट मिलेगा। सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद अच्छे से सब पैक करके रख लें। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट में बताना कि ये केमिकल और ये तरीका आपको कैसा लगा है, और भी कुछ पूछना चाहते हो जैसे कि ये केमिकल को कैसे खरीद सकते हैं या फिर इसकी डेटा शीट हम कैसे डाउनलोड वगैरह कर सकते हैं, तो उसके लिए मैंने पहले से ही डिस्क्रिप्शन में पूरी लिंक वगैरह देखी रखी है, वहाँ पर जाके आप बाय कर सकते हो और डाउनलोड भी कर सकते हो। और आगे की प्रोसेस यानी कि पेंटिंग वर्क किस तरह से किया जाता है, तो हमने थोड़ी देर पहले बात किया था ना कि ये सरफेस ब्लैक रहेगी, इसके ऊपर आप अगर पेंट वगैरह करना चाहते हो तो आप कोई भी वाटर बेस्ड पेंट कर सकते हो। तो उसके लिए हमने हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस बना के रखे हैं कि दीवारों पर पेंट किस तरह से किया जाता है या फिर छत के ऊपर आप पेंटिंग वर्क करना चाहते हैं तो किस तरह से कर सकते हो, तो उसके लिए एक बार चैनल पर जाइए, पूरी जो प्लेलिस्ट है उसे विजिट कीजिए, आप अपने हिसाब से जो वीडियो है आपको पसंद आए वो वीडियो देखिए और पूरी नॉलेज लीजिए, तो आपको वो पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आगे की प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी। तो चलो यहाँ पर ये वीडियो को एंड करते हैं और मिलते हैं किसी और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद और अपना ध्यान रखना।